अब वक्त है मेरे परफॉर्मेंस का, मतलब मैं पूरा आपको डांस करके बताऊंगी, क्योंकि इसमें कोई सेकंड टाइम नहीं है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ये पूरा गाना एक साथ नाचा जाएगा। मेरे नाचने के बाद मेरे स्टूडेंट्स नाचेंगे। आपको ध्यान से देखना है उनके हाथ पैर एक्सप्रेशन, मेरे भी ध्यान से देखना। ओके, रेडी? मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा? अब आप यहाँ कमाल देखिएगा, ए नाक नहीं कटवाने का, चलो। वेरी गुड, इतना अच्छे से आप लोगों ने निभाया है, ऐसा लगता है कि आप लोग, ओह शुक्रिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एक नसीहत देना चाहूंगी इन लड़कियों को, ये तैयार होकर आ गई हैं, ये चप्पा जो पहना जाता है वो ऐसी कवालियों में नहीं पहना जाता, ये सिर्फ मुजरे में पहना जाता है। ये मेरे नॉलेज के बगैर तैयार होकर आ गए हैं, मैं माफी चाहती हूँ कि इन लोगों ने गलत चीज लगा दी है सर पे, माफ कर दीजिएगा। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो यादगार बनकर रह जाते हैं, जैसा ये पल। मेरी भी जिंदगी का ये ऐसा मोड़ था जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसी ने मुझे एक डांस डायरेक्शन क्या होता है या कोरियोग्राफी क्या होती है, थैंक्स टू पीएल संतोषी, लेट पीएल संतोषी, मे गॉड ब्लेस हिम, उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया। और आप भी अगर इस चीज को यादगार बनाना चाहते हैं तो आपको मालूम है क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट? तो आप कीजिए प्रैक्टिस, मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नाचते रहिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।